हमेशा बेटा ही चाहिए। क्यों हमेशा बेटियों को बोझ समझा जाता है? क्यों हमेशा बेटियों को ही कोख में मारा जाता है? क्यों हमें अपने सपनों का बलिदान देना पड़ता है? क्यों हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है? क्यों हर बाप के मन में बेटी के बलात्कार होने का डर? क्यों हमारी शक्तियों को परखा जाता है? क्यों हर वक्त बेटियों को ही मान मर्यादा सिखाई जाती है? पक्का लड़की होगी, पक्का लड़की होगी। कल वाला होमवर्क हो गया? हाँ सर। इसमें कुछ डाउट? सर ये वाला जो है। अच्छा ये वाला। टाइम कितना हुआ है? 8 बज गए। कल से बाहर जाना बंद। पर मम्मी। बोल दिया ना? बस बोल दिया। यो मॉम, कुछ खाएगा? कितना दुबला हो गया है। मम्मी। अरे आपको पता है आज के मैच हम 4-0 से जीते और मुझे तो प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। कल पक्का तेरे मैच की बात करने चलूंगी। यस सही है, मेरी बेटी तमन्ना है, फुटबॉलर है। ये देखिए सर, मैंने बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती है। सर ये बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, बस थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। टैलेंट बहुत है, बस थोड़े से पंच की प्रॉब्लम है। इस पे अपना नाम और नंबर लिख दीजिए। हम आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सर।
आए बड़े फुटबॉलर्स, वो भी लड़की, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं लोग। ऐसा कोई जानू मारता है, कुछ हो जाता तो हट। साहब औरत है, औरत बन के रहे। अरे तू रोना ही रोना ही, चल चुप कर। आखिर मेरी गलती क्या थी कि मैं एक औरत हूँ? क्या इस दुनिया में हम औरतों का कोई मान नहीं? नहीं, इस दुनिया में हमारा कोई मान नहीं है। अब तू एक मेरी बात याद रख, कदर नहीं है इन लोगों को हमारी। जब समझ आएगा तब बदलेगी दुनिया सारी, और देखना एक दिन ये गालियों का शोर तालियों में गूंज जाएगा। चल अब तू ये वीडियो देख, देख ये नौजवान लड़कियों को हमें निडर होकर कैसे जीना सिखा रही हैं। हमें भी इनकी तरह हमेशा खुश रहकर और सब कुछ बुलाकर प्रेरित रहना चाहिए।